नमस्कार, रामकन्या न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पवन कुमार। सरवार थाना क्षेत्र के सापंदा गांव से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक अधेड़ की मौत होने पर एक ओर जहां उसके परिजन विलाप कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शव लेकर जा रहे कुछ लोगों को दबंगों ने रास्ता रोक कर शव को वहीं पर रुकवाए रखा। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। एक कहावत है ना कि जीते जी जीवन भर दुख पाया, मरने के बाद भी हालात ने खूब सताया। कुछ ऐसा ही एक मामला सरवार थाना क्षेत्र के सापंदा गांव में पेश आया है, जहां एक अधेड़ की मौत होने पर परिजन विलाप कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग शव यात्रा का रास्ता रोककर बैठ गए। शव यात्रा लेकर जा रहे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग शव यात्रा को निकलने नहीं दे रहे थे। इसी तनातनी में घंटों इंतजार के बाद भी जब मामला नहीं सुलझा तो पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा और काफी समझाइश के बाद रास्ता खुलवा कर शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। दरअसल गांव में एक निश्चित मार्ग से शव यात्रा निकालने को लेकर वैष्णव एवं नाथ समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। बताते हैं कि शनिवार सुबह गांव के 58 वर्षीय भगवान दास पुत्र नातू दास की मृत्यु हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए गांव के शमशान घाट की ओर शव यात्रा बढ़ी तो नाथ समुदाय के लोगों ने शव यात्रा को यहां से ले जाने को लेकर विरोध जताया और शव यात्रा को वहीं पर रोक दिया। शव यात्रा को रोकने के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर में कहा सुनी और फिर तनातनी का माहौल हो गया। काफी देर जब मामला सुलझता नहीं दिखा तो पुलिस एवं प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिस पर तहसीलदार राहुल पारिक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार माधव जांगिड़, थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मौके पर भेजी। प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत कर समझाइश का प्रयास किया। काफी देर तक समझाइश और कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खुलवाकर शव यात्रा को रवाना करवाया गया, तब जाकर मृतक के शव का अंतिम संस्कार हो पाया। गौरतलब है कि 4 दिन पहले भी छापरी गांव में कुछ दबंगों ने दलित समाज की शव यात्रा को रोक लिया था, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक ने प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर भेजकर रास्ता खुलवाया था और शव यात्रा को शमशान तक पहुंचवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया था। बहरहाल ऐसे में किसी भी शव यात्रा को दबंगों द्वारा किसी भी बात पर अगर रोका जाता है तो वह अपने आप में जहां चौंकाने वाला तो है ही, साथ ही साथ इस तरह के मामले मानवता को भी शर्मसार करते हैं, जिस पर हर किसी को अफसोस ही करना पड़ता है।